नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अभी तक आप किसी भी शॉप में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो आप वहां पर अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से कई सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन अगली बार अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वैप करने वाले हैं तो उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा। ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 2000 से कम का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 18% का GST देना होगा। हाल ही में GST काउंसिल की जो बड़ी बैठक हुई है, इसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो 18% आपको टैक्स के रूप में देना है, GST के तौर पर देना है, वो आपको सीधे तौर पर नहीं देना होगा। क्या कुछ है पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताते हैं। हाल ही में GST काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। CNBC आवाज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब 2000 रुपए से नीचे के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा। इसमें पेमेंट गेटवे को कोई छूट नहीं मिलेगी। इस फैसले के बाद ट्रांजेक्शन के मर्चेंट फीस पर 18% GST लगाई जाएगी। GST फिटमेंट कमेटी की राय है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से इस कमाई पर 18% GST लिया जाए। कमेटी का मानना है कि इस तरह के GST से ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। दरअसल ये GST पेमेंट एग्रीगेटर से वसूला जाएगा। पेमेंट एग्रीगेटर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है और एक मर्चेंट को भुगतान राशि स्वीकार करने में मदद करते हैं। रेजर पे, पेटीएम और गूगल पे पेमेंट एग्रीगेटर का उदाहरण है। दरअसल पेमेंट एग्रीगेटर अपनी सर्विस देने के लिए मर्चेंट से कुछ पैसे लेते हैं। ये हर लेन देन का 0.5 से लेकर 2% होता है। हालांकि ज्यादातर एग्रीगेटर इसे 1% पर रखते हैं। सरकार जो सर्विस टैक्स लेती है वो इस 0.5 से लेकर 2% वाली रकम पर लेती है, इसलिए आम लोगों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। GST काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इस बैठक में बीमा पॉलिसी पर GST दरों पर ध्यान केंद्रित किया गया और ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत में कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 80% से ज्यादा ट्रांजेक्शन 2000 रुपए से कम मूल्य के होते हैं। 2016 में की गई नोटबंदी के दौरान सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेमेंट्स एग्रीगेटर को इस लेन देन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लगाने से रोका गया था। एग्रीगेटर अभी व्यापारियों से प्रति ट्रांजेक्शन 0.5% से 2% तक शुल्क वसूलते हैं। ऐसे में अगर इन छोटे पेमेंट्स पर GST लागू होता है तो फिर इसके बाद पेमेंट एग्रीगेटर इस अतिरिक्त लागत को व्यापारियों पर डाल सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो आप 2000 से ज़्यादा का करें, 2000 से कम का अगर आप करते हैं तो 18% GST भरना पड़ सकता है। और बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।